स्टूडेंट्स, क्लास एट के लिए साइंस की क्लास है। ठीक है, मैं लास्ट लेक्चर में प्लाउंग तक समझ लिया था। अगला पॉइंट है, लूजिंग ऑफ सॉइल इज इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। मिट्टी का ढीलापन नीचे दिए गए कारणों के कारण बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट करके पहला रीजन दिया गया है, लूज सॉइल पार्टिकल्स हैव मोर एयर स्पेस डेट हेल्प्स द रूट ऑफ क्रॉप्स प्लांट्स टू ब्रीथ बेटर। ठीक है, ढीली मिट्टी के पार्टिकल बहुत ज़्यादा एयर स्पेस को रखते हैं, जो कि पौधे की जड़ों को सांस लेने में मदद बेहतर रूप से मदद करती हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है, लूज सॉइल पार्टिकल होल्ड मोर वाटर। ढीली मिट्टी के कण अधिक पानी को लंबे समय तक रख सकते हैं। दिस हेल्प्स द रूट्स टू एब्जॉर्ब मोर वाटर। और यह है जड़ों को अधिक पानी सोखने के लिए मदद करता है। थर्ड पॉइंट है, लूज सॉइल हेल्प्स रूट्स टू पेनिट्रेट डीपर थ्रू द लेयर ऑफ सॉइल। ढीली मिट्टी जड़ों को अधिक नीचे तक मिट्टी की परतों में जाने में मदद करती है। ठीक है, अब ढीली मिट्टी होगी तभी तक तो वो नीचे तक जाएंगे, अगर कड़क मिट्टी हो गई तो वो नीचे कहाँ से जाएंगे। ठीक है, दिस हेल्प्स टू फिक्स द प्लांट्स मोर फर्मली। यह पौधे को अधिक मजबूत बनाती है। ठीक है, लूज सॉइल मिक्सेस विथ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर मोर इजली। ढीली मिट्टी में खाद फर्टिलाइजर अधिक मात्रा में खाद आसानी से मिलाया जा सकते हैं। इट हेल्प्स टू रिमूव वीड्स फ्रॉम द फील्ड। ठीक है, ढीली मिट्टी में जो कूड़े का कचरे या खरपतवार हो जाते हैं, ठीक है, या घास फूस हो जाती है, उन्हें आसानी से हटाया जा सकता है। ठीक, लूज सॉइल प्रमोट द ग्रोथ ऑफ यूजफुल सॉइल माइक्रोबियल। ढीली मिट्टी में उपजाऊ मिट्टी की वृद्धि होती है। दीज माइक्रोबियल हैज टू ऐड ह्यूमस टू द सॉइल। यह माइक्रोब्स मिट्टी में नमी पैदा करते हैं। व्हाइल टाइनिंग द सॉइल ड्यूरिंग प्लाउइंग, न्यूट्रिएंट रिच सॉइल इज ब्रॉट अप फ्रॉम लोअर लेवल ऑफ सॉइल सो द प्लांट्स कैन यूज दिस न्यूट्रिशन। मिट्टी के पलटने के दौरान जो अच्छी मिट्टी होती है वह ऊपर आ जाती है और पौधे इनका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके न्यूट्रिशंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे अच्छी मिट्टी होती है वो नीचे चली जाती है, नीचे रहती है, अब उसको प्लाउ चला देते हैं, वो प्लाउ चलता है तो मिट्टी ऊपर आ जाती है अच्छी वाली। ठीक है, उसमें होते हैं अच्छी न्यूट्रिशन जिससे प्लांट्स की ग्रोथ और अच्छी होती है। ठीक है, अगला पॉइंट है अर्थवर्म के बारे में। ठीक है, सबसे पहले समझ लो अर्थवर्म क्या है। फार्मर का फ्रेंड होता है, ठीक है, और रेट क्या होता है, फार्मर का एनिमी। अर्थवर्म लिव इन सॉइल, केंचुआ मिट्टी में रहता है। दे टर्न द लूज इन द सॉइल, यह मिट्टी को ढीली मिट्टी को पलटता है। दे आर ग्रोइंग एक्शन क्रिएट चैनल्स थ्रू विच प्लांट्स रूट्स पेनिट्रेट द सॉइल मोर इजिली। ठीक है, उनकी बिल खोदने का तरीका चैनल बना देता है प्लांट्स की जड़ों में, जो कि मिट्टी को और आसानी से पलट देती हैं। ठीक है, सो अर्थवर्म आर कॉल्ड फार्मर फ्रेंड्स, इसलिए ही केंचुए किसान के मित्र होते हैं। ठीक है, आपके लिए आज के लिए इतना ही है। ठीक है, आपका होमवर्क आपको हम बता देंगे। ओके, थैंक यू।